अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? होप सो सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से सबको जी रमज़ान मुबारक। ये है जी जंग बाज़ार फैसलाबाद, जहाँ पे आप रश देख सकते हैं कि लोग अपनी अफ्तारी का सामान लेने में मसरूफ़ हैं। हर रेडी पे, हर जगह पे कोई ना कोई आपको नज़र लाजमी आएगा। मैंने भी सोचा कि चलें कुछ आज बनाते हैं अपने लिए इफ्तारी के लिए खाने में, लेकिन दोस्त कह रहे हैं जी हमने आज खाना है बाहर से। बाहर जब रश देखा तो मैंने कहा नहीं यार, फिर अपना बनाते हैं, लेकिन नहीं इरादा बन रहा क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो अभी फिर बाहर जाएंगे, जाके कुछ ना कुछ लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले होगी अज़ान असर की नमाज, तो अभी पढ़ेंगे पहले नमाज और फिर जाएँगे इंशाल्लाह बाहर अपनी इफ्तारी का सामान लेने, कुछ फ्रूट्स लेंगे खाने के लिए, वैसे देखें क्या मिलता है हमें। तो अभी पहले पढ़ते हैं नमाज और फिर आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या खरीद के लाते हैं। पाँच बजकर 40 मिनट हो गए हैं और अभी हम नमाज़ पढ़ के सारा पढ़ के निकले हैं बाहर मस्जिद से। तो अभी अपने लेंगे इफ्तारी का सामान और उसके बाद चलेंगे हॉस्टल और जाके जो भी अपना इफ्तारी का सामान मिला उससे जाके फिर अपनी इफ्तारी करेंगे। पहले रोज भाई 100 पकौड़े 2 समोसे दही लें जी। ये है हमारी गरीब लोगों की पहली इफ्तारी, जिसमें है जी 2 किस्म के पकोड़े, ये अद्धे नीचे दबे हुए हैं, 2 समोसे, खजूरें, मीठी चटनी, सब्ज़ चटनी, सादा पानी और ये साथ है जी स्ट्रॉबेरी शेक। ओए होए होए, बाकी अभी 8 मिनट हो गए हैं, खुलने का इंतज़ार है और टूट पड़ना है हम दो बंदों ने अफ्तारी के ऊपर। बाकी सब लोगों को एक दफ़ा फिर से रमज़ान मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा और अफ्तारी करवाती रहेगा हम जैसे गरीबों को, क्योंकि हम रहते हैं हॉस्टल्स में और हॉस्टल के अलावा भी जो परदेसी लोग होते हैं ना उनका ख्याल रखना चाहिए उधर के रिहायशी लोगों को, ठीक है? तो हम तो खैर आपकी किस्मत में ना हों तो, लेकिन जो हैं आपकी किस्मत में, आपके दोस्त आपके चाहने वाले, उनको अफ्तारी करवाते रहें, सवाब हासिल करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद करते रहेगा। व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।